आज हम बनाएंगे चिकन ग्रेवी। अभी इसके मसाले अदरक लहसुन मिर्ची कांदा का पेस्ट है ये, और अब इसमें डालेंगे कोकोनट जूस, फिर दो टमाटर, कड़ी पत्ता, बड़ी सौंफ, मेथी और अखा गरम मसाला। नमक डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार, जीरा, तेज पत्ता, लाल जीरा पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी, धनिया जीरा पाउडर। अभी हम गैस चालू करेंगे, गैस में तेल डालेंगे। हमारा कढ़ाई गरम होकर रेडी है, अब हम इसमें डालेंगे तेल अपने अंदाजे से। हम कितना तेल डाल रहे हैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अभी हम इसमें डालेंगे जीरा, अभी हम डालेंगे अखा गरम मसाला, तेज पत्ता, फिर उसके बाद अखा गरम मसाला, फिर दूसरा हम डालेंगे मेथी, फिर सौंफ, फिर कड़ी पत्ता, फिर इसे हम अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अभी हम डालेंगे वो पेस्ट जो हमने बना के रखा था, हमने डाल दिया। अभी हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, देख सकते हैं कुछ ऐसे। अभी हम इसमें डालेंगे टमाटर, टमाटो, फिर इसे भी मिक्स कर लेना है अच्छे से। देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, रेड चिल्ली पाउडर, अब हम इसमें डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर। कितना चम्मच डाल रहे हैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसके बाद डालेंगे हम हल्दी, फिर धनिया जीरा पाउडर, फिर हम डालेंगे इसमें गरम मसाला, इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे हमें अच्छे से मिक्स वेल कर लेना है। अभी हमें मसाले को अच्छे से भूज लेना है। अभी हम मिलते हैं इसको भूजने के बाद। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा भूज के रेडी है। डालेंगे चिकन, इसे पकड़ के आप मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं ऐसा मिक्स कर लेना है कुछ ऐसे। देख सकते हैं इसे ऐसे मिक्स कर लेना एकदम अच्छे से।
कुछ ऐसा दिखेगा। इसे अभी हमें 5 मिनट तक पकाना है। अभी हम इसमें डालेंगे कोकोनट जूस। देख सकते हैं हमने डाल दिया इसमें कोकोनट जूस। अभी हम इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम मिलते हैं आपको पकने के बाद। अब हम मिलते हैं आपको पकने के बाद। इसे 45 मिनट तक पकाइए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा डिश बनके रेडी है। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।